हेलो एवरीवन, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या शेयर मार्केट में किसी इन्वेस्टर को अपना पूरा पैसा लगा देना चाहिए। ऐसे कई इन्वेस्टर होते हैं जो ये सोचते हैं क्यों ना मैं अपना पूरा पैसा लगा दूं और एक बड़ा प्रॉफिट कर लूं, तो क्या ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट में कभी भी आपको अपना पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। उसके कुछ रीजंस हैं, वो रीजन समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मार्केट का एक नेचर होता है ऊपर जाना और नीचे आना। अब आपको ये पता नहीं है जिस पॉइंट पे आपने एंट्री लिया हुआ है उस पॉइंट के बाद मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा या नीचे आएगा, लेकिन ये श्योर है कि भाई मार्केट का तो काम है थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, कभी और ज्यादा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। लेकिन ये श्योर होता है कि भाई लॉन्ग टर्म में क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि किसी क्रैश के चलते मार्केट क्या है, गिर जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा देश में माहौल हो जाता है जिस वजह से मार्केट गिर जाता है। जैसे अगर लास्ट टाइम की आप बात करोगे तो कोरोना में मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, मार्केट क्रैश हो गया था। इसी तरीके से आप 2008 की बात करोगे तो उस समय भी मार्केट क्रैश हुआ था। कहने का मतलब है आप ये फिक्स नहीं है आपके लिए कि मार्केट किस सिचुएशन में क्रैश होगा। तो देखिए, क्रैश में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अगर पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर दें तो उसके बाद जब मार्केट फिर से ऊपर आएगा तो वो अमाउंट आपका क्या है, डबल ट्रिपल फोर टाइम्स तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द शेयर। वो शेयर पर डिपेंड करेगा भाई आपने कौन सा शेयर लिया हुआ था। तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज अगर आपने एक साथ इन्वेस्ट किया और मार्केट अगर डाउन चला गया तो उस सिचुएशन में आप अगर मार्केट में बने रहेंगे तब तो अच्छी बात है, और अगर आप निकल गए तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। और अगर आपके पास कुछ पैसा सेव होगा जो आपने बचाया होगा, वो पैसा अगर आपने गिरे हुए मार्केट में डाला होगा तो फिर वो पैसा आपका क्या काफी टाइम्स तक इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बचाया ही पैसा नहीं होगा, आपने पूरा का पूरा पैसा डाल दिया होगा, तो फिर आपकी जो मनी है वो कैसे आप आगे बूस्ट कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट ये कि जो भी आपके पास अमाउंट है, जो भी आपने इन्वेस्ट करने का सोचा है, वो इन्वेस्टमेंट की जर्नी तो आप कंटिन्यू करो, वो इन्वेस्टमेंट की जर्नी तो आप कंटिन्यू करो, लेकिन कुछ पैसा अपने पास सेव करके भी रखो। सेव करने से क्या होगा, इन केस अगर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे कभी जाता है तो हम क्या करेंगे, अपने शेयर्स में एवरेज कर लेंगे, और एवरेज करने के बाद जब वो शेयर फिर से भागेंगे तो फिर हमारा पैसा क्या है, एक बड़े अमाउंट के साथ बनेगा। और देखो, जिन लोगों ने लॉकडाउन की फेज देखा है उनको पता है कि मार्केट ने एक बहुत अच्छा मौका दिया था लॉकडाउन में, लेकिन बात वही है कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस समय इतना इंटरनेट पर फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं थी कि लोग इस चीज को समझ सकें। लेकिन जिन लोगों को पहले से अवेयरनेस थी, जो लोग इस चीज के बारे में नॉलेज रखते थे, उन लोगों ने बहुत अच्छा अमाउंट आज की डेट में बना लिया है। तो मेन चीज वही है कि नॉलेज होना एक सही समय पर इंपॉर्टेंट है। अगर वो नॉलेज एक हमारे पास सही समय पर नहीं है तो फिर वो नॉलेज क्या है, वेस्ट हो जाती है। तो वही चीज कह रहा हूं कि अगर आप आज ही से अपने आप को इस पैटर्न पर लेके चलोगे, भाई कुछ अमाउंट जो भी हमारी अर्निंग है एक एक्स अमाउंट हमको डालना है और रिमेनिंग अमाउंट हमको सेव करना है, और इन केस अगर मार्केट हमको अपॉर्चुनिटी देता है इन फ्यूचर 2 साल में 4 साल में 5 साल में 10 साल में, उस समय हमको एक बार एंट्री लेना है एक बड़े अमाउंट के साथ और उसको इन्वेस्ट करना है। फिर जब मार्केट फिर से रिबाउंस करेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पैसा ऑटोमेटिक क्या बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो जैसा 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था, बट मार्केट फिर से ऊपर जाता गया, और आपको आज पता है कि निफ्टी 22,000 के स्केल को क्या छू चुका है। तो उस चीज को आपको समझना होगा, कहां निफ्टी आ गया था लगभग 7,500 के करीब और कहां आज 22,000 के करीब आ गया। तो अगर मोटा मोटा कहें तो भाई लगभग 3 गुना, निफ्टी लगभग 3 गुना हो गया है। तो कहने का मतलब है, इन्वेस्टर ने जिसने 7,500 जब निफ्टी 7,500 के अराउंड में था, जिसने उस समय पैसा लगाया था, तो उसका पैसा आज क्या बहुत ज्यादा बढ़ गया। और
ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने इस सिचुएशन को समझा था, क्योंकि वही चीज है कि डुबाने वाले ज्यादा हैं और कमाने वाले कम हैं। और इसलिए कहा गया जो मेंटल कैपेसिटी है ना वो तुम्हारे फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज्यादा होना चाहिए। पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। अगर पेशेंस नहीं होगा, अगर आपको लगा कि भाई मेरा जो है इतना लॉस हो गया और आपने पेशेंस नहीं रख पाए और आपने पैनिक में आके सेल कर दिया, तो फिर कहीं ना कहीं आपने क्या क्रैश के समय पैसा अपना डुबा दिया। क्योंकि मार्केट का तो नेचर ही है नीचे आना ऊपर जाना, नीचे आना ऊपर जाना। तो ये आपको पहले से अपने माइंड में सेट करके रखना है, मार्केट तो करेगा ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये सेम तुम्हारी जिंदगी की तरह, जिंदगी में जैसे कुछ उतार आते हैं कुछ चढ़ाव आते हैं, तो जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं कभी दुख महसूस होता है कभी सुख महसूस होता है, फिर दुख आता है फिर सुख आता है, और ये चलता रहता है। क्या जिंदगी स्टॉप कर देते हैं? लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी स्टॉप कर देते हैं, कुछ लोग सुसाइड वगैरह कर लेते हैं लोगों के डर से या लोगों की कड़वी बातों को सुन के। लेकिन जो लोग कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं वो अपनी लाइफ को क्या है आगे जीते रहते हैं। तो सेम उसी तरीके से मार्केट भी है भाई, मार्केट का तो काम ही है ऊपर नीचे करना, लेकिन तुम्हारा काम है मार्केट में बने रहना, मार्केट से एग्जिट नहीं करना। मार्केट में एग्जिट कब करना है? मार्केट में एग्जिट तब करना है जब आपका जो गोल था, जो भी आपने अपने लिए फाइनेंशियल गोल रखा हुआ था, जब वो फाइनेंशियल गोल अचीव हो जाता है तो एग्जिट कर जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसलिए एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि हमारा एक हमको फाइनेंशियल गोल भी सेट करना है कि भाई हमको जो अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे करना क्या है। कुछ लोगों का गोल होता है कि भाई मुझको घर बनाना है, कुछ लोगों का गोल होता है मुझको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखना है, कुछ लोगों का गोल होता है कि भाई मुझे एक बड़ा बंगला बनाना है। तो हर किसी का एक अपना अपना सेपरेट गोल है, तो अपने गोल को डिसाइडेड रखो एंड देन उसी के अकॉर्डिंग मार्केट को समझो प्लस चीजों को एनालाइज करो। जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, टेक्निकल एनालिसिस करोगे और सिंपल टर्म्स में मार्केट को समझोगे तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए काफी बेहतर होता जाएगा। देखो नॉर्मली लोग क्या बहुत फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, लेकिन कई बार वो सही एनालिसिस क्या बर्बाद हो जाती है। अगर एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात करें, देखो मार्केट किससे चलता है? कंपनी से। अब कंपनी कौन सी ग्रो करेगी भाई? कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कभी बंद ही नहीं हो सकती। जैसे खाने पीने की जो चीजें होती हैं जो हम लोग डेली खाया करते हैं, कभी महंगी खाते हैं कभी कुछ खाते हैं, तो क्या ये सब चीजें बंद होने वाली हैं? क्या चॉकलेट बच्चे खाते हैं? कल बच्चे चॉकलेट खाना बंद कर देंगे क्या अचानक से? नहीं करेंगे ना। तो उन कंपनियों को पकड़ो ना भाई, जो कंपनियां हमेशा चलनी ही चलनी है, जिनको कोई बंद ही नहीं कर सकता है, तो ऐसे कंपनियों का शेयर उठाओगे तो क्या कभी लॉस में जाओगे? ऑब्वियस सी बात है कि भाई लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में ही जाओगे। तो जो भी अच्छी कंपनीज है ऐसी कंपनियों को चुनो। मतलब कुछ कहने का मतलब जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों को भी समझो भाई क्या हो रहा है। जैसे हम लोग फेविकॉल यूज करते रहते हैं, बहुत ज्यादा फेविकॉल यूज करते हैं, और कोई ऐसा शायद ही बच्चा होगा जिसको फेविकॉल के बारे में पता ना हो। लेकिन उसकी कंपनी कौन सी होती है? पिडलाइट इंडस्ट्री होती है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता। लेकिन उसके डिब्बे पे आप देखना पीछे की तरफ तो लिखा रहता है पिडलाइट इंडस्ट्री। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, देखना है कि भाई कौन सी चीजें जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है उनको पकड़ो, और कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ तुम्हारी ग्रोथ बन जाएगी। तो कहने का मतलब है चीजों को थोड़ा समझो अपने स्तर पर भी, और जो वीडियोस वगैरह देखते हो उनसे भी समझो, देन एक फाइनल अपना जो भी डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग लो एंड शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि लॉन्ग टर्म है जो तुमको एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा कमाओगे 10-20 हजार 50 हजार, तो वो तुमको क्या है जो ट्रेमेंडस चेंज है वो नहीं दे पाएगा। देखो लाखों से करोड़ों बन सकता है, लाखों से करोड़ों बन सकता है, लेकिन कब बन सकता है? जब वो पैसा इन्वेस्टेड रहे। जैसे आपने सुना होगा प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति खरीद के डाल देता है किसी दूर जगह, उसने लाखों में लिया था, लेकिन आने वाले टाइम में वो क्या करोड़ों की हो जाती है। कब हो जाती है? जब उस प्रॉपर्टी को 20-30 साल रखा जाता है। क्या एक दिन में हो जाती है? सेम उसी तरीके से मार्केट भी है, वो एक दिन में नहीं होने वाला है, कुछ समय तो देना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा पेशेंस के साथ रखना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं रिटर्न भी बहुत जबरदस्त होगा। और काफी रिटर्न चेक कर सकते हो काफी कंपनियों के, अगर आप एनालिसिस वगैरह करोगे तो काफी कंपनियों का रिटर्न भी आप देख सकते हो, बम्पर रिटर्न दिया। जैसे टाइटन का शेयर था, उसने राकेश झुंझुनवाला को बम्पर रिटर्न दिया, और उस शेयर के दम पे राकेश झुंझुनवाला की क्या स्थिति है ये आपको अच्छे से पता होगी।
आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। और मैं तुमसे बस यही कहना चाहूंगा कि मार्केट में कभी भी पूरा पैसा इन्वेस्टेड ना करें, जब क्रैश की अपॉर्चुनिटी है उसमें भी इन्वेस्ट करें, प्लस जो हमारे खर्चे होते हैं डेली रूटीन के उनके लिए भी पैसा सेव करके रखना है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जो डेली खर्चे हैं वो निकलना मुश्किल हो जाए, ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखना है। और जो भी लोग शेयर मार्केट की क्लासेस लेना चाहते हो तो वो हमारे द्वारा दी गई 1-to-1 क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8318-558-5856 पर। एक बार फिर से अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता देता हूँ, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8318-558-5856। इस कॉन्टेक्ट नंबर के अलावा हमारा कोई अदर कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, तो आपको सिर्फ इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। और कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।